व्लॉग, आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ अपना चैनल में डायली व्लॉग। आज मैं आप लोगों को पत्ता गोभी का गोभी मंजूरी बनाना सिखाऊंगी कैसा बनता है, और आप लोग इसे कैबेज गोभी मंजूरी भी बोल सकते हैं। और इस गोभी मंजूरी बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक कटोरा एक बॉल में कैबेज काट कर रख ली हूँ, चॉप कर ली हूँ अच्छे से। और ये शिमला मिर्च है, बस एक शिमला मिर्च काफ़ी है। और ये चार प्याज काट ली हूँ, और ये धनिया पत्ता है, और ये टमाटो सॉस है, और एक कॉर्नफ्लोर पाउडर होता है ना, बस वही है एक कटोरा। और ये डीप फ्राई करने के लिए तेल, और ये सोया सॉस, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, और एक ग्रीन चिल्ली सॉस है, स्वाद के लिए नमक ली हूँ, और ये लाल मिर्च है। अब देख सकते हो मैं एक कटोरा में जो कैबेज काट कर रखी थी ना, जो पत्ता को भी काट ली थी ना, बस उसे डाल रख ली हूँ। और इसमें जो मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर ली थी ना, बस अब देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर पाउडर है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी मिलाने के लिए अच्छे से। अब देख सकते हैं मैं कॉर्नफ्लोर पाउडर इसमें अच्छे से डाल रही हूँ। और इसमें जो लाल मिर्चा ली थी ना मैं, बस वही एक या दो चम्मच डाल दूँगी। अब देख सकते हैं लाल मिर्च है, दो चम्मच काफ़ी है। और ये नमक है, आधा चम्मच काफ़ी है इसमें। अब बस मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। आप देख सकते हैं इसी तरह आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा इस कॉर्नफ्लोर पाउडर और इस कैबेज को, इस पत्ता गोभी और इस कैबेज को अच्छे से इस कॉर्नफ्लोर पाउडर में मिलाना पड़ेगा। आप देख सकते हो अच्छे से मिल चुका है ये। अब मैं इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लूँगी। बस आप देख सकते हैं इसी तरह आपको मिलाना पड़ेगा। बस इसी तरह आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप मैं कैसे मिला रही हूँ। आप भी अपने घर में एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। जो फूल गोभी में बनता है ना, उसी से भी अच्छा टेस्ट मिलता है इसमें पत्ता गोभी का है। अच्छे से इसी तरह मिलाना पड़ेगा। लगता है कि इसमें पानी कम है, मैं और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। एक कॉर्नफ्लोर पाउडर ना आप लोगों को दुकान में मिल जाएगा, राशन का दुकान होता है ना, वहीं पर मिलता है, वहीं से खरीद सकते हो इस कॉर्नफ्लोर पाउडर को। कहीं दूर जाने का ज़रूरी नहीं पड़ता है, आपके आसपास जो दुकान होता है ना, राशन का दुकान, वहीं मिलता है। आप एक बार इसी तरह बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोगों को खाने में। अब देख सकते हो मैं अच्छे से इसे मिला चुकी हूँ, और एक डो जैसे बना ली हूँ इसे। अब देख सकते हैं बस आपको भी इसी तरह बनाना पड़ेगा। अब मैं इसे गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डाल दूँगी। डालकर इसे छोटा छोटा पकोड़ा बनाकर दिखाऊंगी कैसा बनता है। अब देख सकते हो बस इतनी छोटा छोटा पकौड़ा बनाना पड़ेगा इसे। ऐसा पकौड़ा बनाकर तेल में अच्छे से तलना पड़ेगा, डीप फ्राई करना पड़ेगा इसे। आप देख सकते हैं इस कढ़ाई में मैं तेल रख चुकी हूँ, और इसे अच्छे से गरम कर लूँगी। गरम करने के बाद जो गोभी का मैं अच्छे से मिला कर एक डो बनाई हूँ ना, उसमें से छोटा छोटा पकौड़े जैसे इसमें डालकर मैं तल लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है, बस मैं इसे पकौड़ा बना ली हूँ और इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हो बस इसी तरह डालना पड़ेगा, और डालकर अच्छे से इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप देख सकते हो इसी तरह गोल गोल बनाना पड़ेगा आप लोगों को। बनाकर बस इस तेल में
डाल देना चाहिए और अच्छे से इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना पड़ेगा, डीप फ्राई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो रहा है, लाइट ब्राउन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हुआ है, और भी अच्छे से इसे पका लूँगी मैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब मैं अच्छे इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पका ली हूँ। आप लोग देख सकते हैं गोभी बनकर तैयार है। अब मैं इसके लिए मंचूरी बनाने जा रही हूँ। जिस कढ़ाई में मैं तेल ली थी ना, बस वही कढ़ाई में मैं मंचूरी बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी क्या क्या पड़ता है मंचूरी बनाने में। आप भी बनाना एक बार ट्राई कीजिए। आप देख सकते हो तेल गर्म है और इसमें जो प्याज मैं काट कर रखी थी ना, बस इसमें डाल दूँगी। देख सकते हो इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा इस प्याज को। अब देख सकते हैं मैं इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इस ऑनियन को अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना पड़ेगा। इसे फ्राई करने के बाद इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ली थी ना, बस इसमें डाल दूंगी। अब मैं इस कढ़ाई में जो अदरक लहसुन का पेस्ट ली थी ना, आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बस इसमें मैं डाल दूंगी इसे बेबी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसीलिए डालते हैं कि अच्छा फ्लेवर मिलता है इसमें से और अच्छा टेस्ट मिलेगा आप लोगों को मंचूरी बनाने में। मंचूरी में बहुत ही अच्छी टेस्ट मिलती है इस अदरक लहसुन पेस्ट से। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो शिमला मिर्च ली थी ना, बस इसमें डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। अब देख सकते हैं शिमला मिर्च है, बस ये भी मैं डाल रही हूँ इसी में ही। शिमला मिर्च इसीलिए मैं डाल रही हूँ कि इसी का भी अच्छा टेस्ट मिलेगा इस ग्रेवी बनाने में, अच्छा फ्लेवर मिलता है शिमला मिर्च से इस मंचूरी के लिए। बस मैं इसे में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गाइस आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है शिमला मिर्च और जो ऑनियन में पका ली हूँ अच्छे से। बस मैं अब इसमें जो सोया सॉस ली थी ना, बस इसमें डाल दूंगी। आप देख सकते हैं सोया सॉस है, एक दो चम्मच काफ़ी है, मैं बस अंदाजे से डाल रही हूँ। आपको कम लगेगा तो आप और भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं अब मैं इसमें जो चिल्ली ग्रीन चिल्ली सॉस था ना, इसमें डाल रही हूँ। तीन चम्मच है ये, बस इसे मैं डाल रही हूँ। ग्रीन चिल्ली सॉस है और आप रेड चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी है। बस मैं ग्रीन चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। इसी तरह आपको इसे फ्राई करना पड़ेगा। अब मैं इसमें टमाटो सॉस था ना, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। देख सकते हैं टमाटो सॉस है, तीन चम्मच है ये भी, इसमें डाल रही हूँ। और इसे मैं भी अच्छे से मिला लूँगी इसमें। इसे मिलाने के बाद मैं एक छोटे ग्लास में पानी ली हूँ इसे पकाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छे से मंचूरी बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए इसमें मैं एक छोटे ग्लास में पानी ली हूँ, बस इसमें ऐड कर दूँगी। अब देख सकते हैं बस इतना पानी काफ़ी है। मैं पानी इसीलिए डाल रही हूँ कि मंचूरी बना रही हूँ ना, थोड़ा ग्रेवी होना चाहिए, इसीलिए मैं इसमें पानी मिला चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी बन रहा है। अब मैं इस ग्रेवी में आधा चम्मच नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैं जो गोभी बनाई थी ना, उसमें नमक था पहले से ही, मैं डाल चुकी थी थोड़ा सा। बस इसमें थोड़ा काफ़ी है, आप देख सकते हैं बस इतना ही काफ़ी है। बस मैं इसमें डाल दूँगी, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक का टेस्ट मिलता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ इसमें।
अच्छे से मिला लूँगी इसे। इसे मिलाने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी बनकर तैयार है। इसमें मैं जो गोभी बना कर रखी थी ना, इसमें मिला दूँगी। आप देख सकते हैं मैं बस इसमें मिला रही हूँ और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी इस गोभी के साथ इस मंचूरी को। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। आप भी प्लीज़ अपने घर में एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है पत्ता गोभी का गोभी मंचूरी। प्लीज़ अपने घर में एक बार ट्राई कीजिए बनाकर। आप लोग गोभी जो फूल गोभी होता है ना उसका खाए होंगे, उससे भी अच्छा टेस्ट मिलेगा इस पत्ता गोभी में बनाएंगे तो। प्लीज़ आप अपने घर में एक बार ट्राई कीजिए। अब मैं अच्छे से मिला ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर जो धनिया पत्ता काट कर रखी थी ना, मैं डाल रही हूँ इसमें। अब देख सकते हैं इसे मैं अच्छे से इस धनिया पत्ता के साथ मिला लूँगी। आप देख सकते हैं बस आसान है बनाने का गोभी मंचूरी। प्लीज़ आप भी अपने घर में एक बार बना कर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब देख सकते हैं गोभी मंचूरी बनकर तैयार है। प्लीज़ अपने घर में आप भी एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही मज़ेदार है गोभी मंचूरी है। आप भी अपने घर में एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये गोभी मंचूरी। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।